पूरे वर्डप्रेस के सिस्टम में देर आर डिफरेंट एक्टर्स, देर आर डिफरेंट पीपल हु क्रिएट एक्शंस. आप कहेंगे कि मैं पता नहीं यहाँ पे एक्टिंग का जिक्र कर रहा हूँ तो शायद मैं कोई ड्रामा सीरियल या मूवीज का जिक्र कर रहा हूँ, बट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट यू. आई एम अबाउट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर द एक्टर्स ऑफ दिस वर्डप्रेस इकोसिस्टम. इसमें आपके यूजर्स भी आते हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो आपका कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो आपकी साइट पे आके कमेंट्स करते हैं. बट इस पूरे इस इकोसिस्टम में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स इज यू, द पर्सन हु इज रनिंग द वर्डप्रेस वेबसाइट, द पर्सन हु एक्चुअली इज द क्रिएटर ऑफ द वर्डप्रेस वेबसाइट, द पर्सन who's actually the administrator, the person who's actually the administrator of the WordPress website, the person who's also the author of the WordPress website, the person who's also the editor of the WordPress website. So is pure ecosystem mein, these are some really, really important actors to know. Aur is topic mein bhi hum dekhenge ki kaise aap as a WordPress administrator or as a user can edit your profile. Aur saath hi saath, what is a profile exactly? So chale aate hain is question pe ki profile aakhir kya hoti hai. Aapne Facebook profile ka to suna hoga, aapki Facebook pe jis tarah profile hoti hai, aap jaate hain us pe content post karte hain, isi tarah WordPress creates a user profile for every user who registers to your website. वो आप खुद हो सकते हैं या ये वो यूज़र्स हो सकते हैं जो आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर करके किसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं या सर्विसेज को अवेल करते हैं. सो बेसिकली अ वर्डप्रेस प्रोफाइल इज जस्ट लाइक अ फेसबुक प्रोफाइल, बट इट इज़ फॉर यू, इट इज़ ऑन वर्डप्रेस एंड इट टेल्स द वर्ल्ड अबाउट हु यू आर, व्हाट योर नेम इज़, व्हाट योर निकनेम इज़, व्हाट योर ईमेल इज़ and what your bio is. और इसको हम जरा डिटेल में जाके देखेंगे. But the question is कि why does WordPress create a profile? भाई WordPress ये profile इसलिए create करता है क्योंकि WordPress is a social network, just like Facebook. WordPress is a management system which allows users to connect with your content, and WordPress wants a lot of people to connect and to learn from each other. Isiliye is particular topic mein we are going to discuss what a profile is, how a profile looks, profile mein wo kaun kaun si fields hoti hain jisko aap change kar sakte hain, aur kaise aap WordPress ki ye profile ki feature ko use karte hue apni profile ki इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं या उसको ऐड कर सकते हैं, और ये फंक्शन आपके पास कहाँ अवेलेबल है. जैसे ही आप अपनी वर्डप्रेस की लॉगिन स्क्रीन में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे जो आपको साइड बार नज़र आ रहा है उस साइड बार में देर इज़ अ यूज़र सेक्शन. उस यूज़र सेक्शन में देर इज़ समथिंग कॉल्ड द प्रोफाइल. व्हेन यू क्लिक ऑन दैट प्रोफाइल यू हैव एक्सेस टू योर प्रोफाइल. सो क्वेश्चन वही आ जाता है कि क्या क्या आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं. भई आप अपना नाम एडिट कर सकते हैं, अपनी बायो एडिट कर सकते हैं, आप अपने वर्डप्रेस की एडमिन थीम को एडिट कर सकते हैं, साथ ही साथ यू कैन एक्चुअली चेंज योर पासवर्ड एंड यू कैन चेंज अ फ्यू अदर इंफॉर्मेशन एज वेल. दिस इज़ योर होम ग्राउंड फॉर चेंजिंग एनी इंफॉर्मेशन दैट इज़ अबाउट यू, दैट अफेक्ट्स यू, that showcases you. तो WordPress का ये जो हमारा profile का एक section है, this is super critical because it has all the information about you. This is like a control center for your profile. बिल्कुल वैसे ही जिस तरह Facebook की profile
आपकी इंफॉर्मेशन का एक कंट्रोल सेंटर है, वैसे ही वर्डप्रेस की प्रोफाइल आपकी इंफॉर्मेशन का एक कंट्रोल सेंटर है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विच इंफॉर्मेशन यू ऐड देयर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विच इंफॉर्मेशन यू एडिट देयर. बहुत ही आपने ख्याल रखना है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, उनको आप कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं. और ये पूरा जो सेक्शन है, इसकी एक एक चीज़ को डिटेल में स्टडी करना ज़रूरी है. साथ ही साथ इसकी जो एडिट प्लगइन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली यूज सम एक्सटर्नल प्लगइन्स एज वेल टू एनहैंस द वर्डप्रेस प्रोफाइल. यू कैन एक्चुअली यूज प्लगइन्स विच वुड ऐड न्यू फील्ड्स टू योर वर्डप्रेस प्रोफाइल. यू कैन एक्चुअली यूज प्लगइन्स जो कि आपकी वर्डप्रेस प्रोफाइल में नई फीचर्स को ऐड कर सकते हैं. बट करना मैंने तो नहीं है, करना तो ये आपने खुद है. सो वी वुड लाइक टू टेक यू लाइव नाउ टू सी कि वर्डप्रेस प्रोफाइल आखिर होती क्या है, कैसे वर्डप्रेस प्रोफाइल आप यूज़ कर सकते हैं, एंड कैसे यू कैन एनहांस योर वर्डप्रेस प्रोफाइल जस्ट लाइक योर फेसबुक प्रोफाइल ऑन वर्डप्रेस. सो हम आप जाएंगे वर्डप्रेस के बैकएंड पे टू सी हाउ वर्डप्रेस प्रोफाइल रियली वर्क्स. सो हियर आई एम गोइंग टू लॉग इन टू माई वर्डप्रेस वेबसाइट. और जैसे ही मैं प्रोफाइल अपनी वर्डप्रेस की उस पर लॉग इन करूँगा, तो मेरे पास दो ऑप्शन है. सो या आप इसको वर्डप्रेस में लॉग इन करते ही यू कैन एक्चुअली एडिट इट फ्रॉम द टॉप हैंड साइड विच इज़ द मेन्यू बार, या आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से एडिट कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव द यूज़र सेक्शन. द यूज़र सेक्शन इज़ वेर यू कैन एडिट द वर्डप्रेस प्रोफाइल. सो आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे एंड नाउ यू हैव ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल थ्रू विच यू कैन एडिट योर वर्डप्रेस प्रोफाइल. तो डिफरेंट फंक्शंस हैं, मैं आपके सामने ये फंक्शंस इनेबल करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कैसे थिंग्स चेंज. सो सबसे पहले है एडमिन कलर स्कीम. लेट्स से इफ यू वांट टू चेंज द कलर स्कीम ऑफ योर वर्डप्रेस साइट, सो आप बड़े ही आराम से इसको क्लिक करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, वो साथ साथ लाइव चेंज हो रहा है. सो आई विल सेलेक्ट द सनशाइन थीम एंड आई विल क्लिक ऑन अपडेट प्रोफाइल. एंड आप देखेंगे कि जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, दिस विल एक्चुअली चेंज. अदर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू मी आर टूल बार, कि अगर मैंने टूल बार दिखाना है कि नहीं, अगर मैंने विजुअल एडिटर डिसेबल करना है, अगर मैंने सिंटेक्स को हाईलाइट करना है, साथ ही साथ मैंने अपना नाम क्या चेंज करना है, मैंने अपनी साइट की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या रखनी है, मैंने अपना निक नेम क्या रखना है. अगर आपको निक नेम बंटी बबलू या इस तरह के नाम पसंद है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. बट निक नेम इज़ एक्चुअली द ऑप्शन थ्रू विच यू कैन ऐड योर निक नेम टू दिस साइट. आप अपनी बायोग्राफी डाल सकते हैं, आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, आप अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं. और साथ ही साथ इसमें एक एक्सटेंडेड प्रोफाइल का सेक्शन है जिस पे आप कुछ और डिटेल्स भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. एक्सटेंडेड प्रोफाइल का सेक्शन माइट और माइट नॉट शो अप ऑन योर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन. इट रियली डिपेंड्स कि आप कोई एक्सटर्नल प्लगइन यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द प्लेस थ्रू विच यू कैन ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू योर वर्डप्रेस प्रोफाइल. और आपकी वर्डप्रेस प्रोफाइल विल शो अप एवरीवेयर ऑन योर साइट. तो इसका प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखें कि एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू ऐड ऑन योर वर्डप्रेस प्रोफाइल इस सेक्शन में, दैट विल बी पब्लिकली विजिबल. तो आपने बड़े तरीके से देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने यहाँ पर ऐड करना है. आपने देखना है कि विच इन्फॉर्मेशन विल एक्चुअली क्रिएट विजिबिलिटी फॉर योर profile. So use the profile, use it as an opportunity to showcase yourself. अपनी settings को edit करने के लिए इसको use करें. अपना नाम, अगर आप you know उसका nickname कोई add करना चाह रहे हैं, contact info कोई देना चाह रहे हैं, वो आप इधर edit कर सकते हैं. This is your control center for any or all information related to your WordPress profile. जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया, WordPress profile is very much like your Facebook profile. So use it well because this is your identity, this is your visibility. So इस section को आप use करें edit करने के लिए अपनी profile को and to increase your visibility. We wish you all the best in this journey जिस पे आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ सीख रहे हैं, आप हमारे साथ grow कर रहे हैं, आप हमारे साथ learn कर रहे हैं, आप हमारे साथ connect कर रहे हैं.
because together we are going to raise the profiles of each other and we are going to make Pakistan the number one country in the global digital economy.